जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उन इंडियन फोर्सेस के बारे में जिन्हें एक आईपीएस ऑफिसर लीड करता है। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स पुलिस सर्विस के अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस को लीड करते हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे उन्हीं सब फोर्सेस के बारे में। शुरुआत करते हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ से। बीएसएफ का काम है पीस टाइम में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करना, और सीआरपीएफ को इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग सिचुएशन के लिए यूज करता है, जैसे कि इलेक्शन पर्पज के लिए, कहीं पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, कहीं पर स्पेशल ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ को यूज किया जाता है। और इन दोनों को ही लीड और कमांड करता है आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है सुजय लाल तशन साहब, जो 1 जनवरी 2023 से बीएसएफ और सीआरपीएफ को लीड कर रहे हैं। दूसरा फोर्स है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो पीस टाइम में इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करता है, और आईटीबीपी को भी एक आईपीएस ऑफिसर लीड करता है। आज की डेट में जो आईटीबीपी को लीड कर रहे हैं उनका नाम है अनिश दयाल सिंह साहब। तीसरा फोर्स है एनएसजी यानी कि ब्लैक कैट कमांडो। ऑफिसर्स और सोल्जर्स इंडियन आर्मी सीएपीएफ और पुलिस से डेपुटेशन पे एनएसजी पर आते हैं। एनएसजी कमांडोज भारत का एक स्पेशल कमांडो यूनिट है जिसे काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। एनएसजी को भी लीड करते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। आज की डेट में जो एनएसजी को लीड कर रहे हैं वो है डीजीएमए गणपति सर। नेक्स्ट सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत के इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कि कोल फील्ड एरिया, स्टील एरियाज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे भी आईपीएस ऑफिसर ही लीड करते हैं। आज की डेट में जो सीआईएसएफ को लीड कर रहे हैं उनका नाम है आईपीएस शीलवर्धन सिंह। पांचवा फोर्स है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि पीस टाइम में इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करता है। इसे भी आईपीएस ऑफिसर द्वारा ही लीड किया जाता है। और इस वक्त पर एसएसबी को लीड कर रहे हैं आईपीएस रश्मि शुक्ला मैम, जो कि 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। छठा फोर्स है एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 2006 में इसे बनाया गया था। भारत में डिजास्टर यानी कि सुनामी, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को रेस्क्यू करना, वहां तक खाना पहुंचाना इनका काम है। एनडीआरएफ को भी लीड करते हैं एक आईपीएस ऑफिसर, और फिलहाल इसे जो लीड कर रहे हैं वो है आईपीएस अतुल कारवाल साहब। सातवां फोर्स है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना और इंटेलिजेंस को गैदर करके एक्शन लेना। इसे भी लीड करते हैं एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर। फिलहाल आईबी को जो लीड कर रहे हैं वह है तपन धेका सर। नेक्स्ट फोर्स है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो एक सीक्रेट एजेंसी के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। रॉ को भी लीड करता है एक आईपीएस ऑफिसर, और आज जो रॉ को लीड कर रहे हैं वो है डीजी सुमंत गोयल साहब। नेक्स्ट है एसपीजी कमांडो यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो। इनका काम है प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जहां पर भी देखते हैं उनके आसपास में ये जो ब्लैक सूट पहने कमांडोज रहते हैं, इन्हें ही एसपीजी कहा जाता है। एसपीजी कमांडोज को भी लीड करते हैं आईपीएस ऑफिसर, और आज की डेट में जो एसपीजी को लीड कर रहे हैं वो है आईपीएस अरुण सिन्हा साहब। उसके बाद है एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भारत में ये प्राइमरी टेरर अटैक टास्क फोर्स है यानी कि जब कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है या फिर हो चुका है तो प्राइमरीली एनआईए को ही वहां पर भेजा जाता है। इसे भी लीड करते हैं आईपीएस ऑफिसर। फिलहाल के समय एनआईए को लीड कर रहे हैं आईपीएस दीपंकर गुप्ता साहब। लास्ट फोर्स है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के बारे में हम सबको पता है, ये इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन करके सच का पता लगाता है, और इसे भी आईपीएस ऑफिसर ही लीड करते हैं। और आज जो सीबीआई को लीड कर रहे हैं वो है आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल साहब, जो 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मैं आपको अगर आसान भाषा में कहूँ तो इंडियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाली हर एक फोर्स को आईपीएस ऑफिसर्स ही लीड करते हैं। इंडियन पुलिस के साथ साथ में इन सभी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल एक आईपीएस ऑफिसर ही होता है, जो इन सब फोर्सेस को डायरेक्ट करते हैं और कमांड करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।